हेलो डियर स्टूडेंट तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम तो स्पीड का मतलब होता है बच्चों चाल एंड डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और टाइम का मतलब होता है समय ठीक है तो इन तीनों वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको पता होना चाहिए और चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको यहाँ पर समझ लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पीड का तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है स्पीड इज़ डिफ़ाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इट इज़ मेज़र्ड इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड ठीक है तो देखो बच्चों स्पीड क्या होता है कि एक निर्धारित समय में किसी के द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं तो इसको ड्राइव करने के लिए हमें क्या चाहिए दो क्वांटिटीज चाहिए एक तो होना चाहिए आपके पास डिस्टेंस और दूसरा होना चाहिए आपके पास बच्चों टाइम तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो होता है बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं ठीक है स्पीड का मतलब चाल ठीक है तो यहाँ तक ये सबकी समझ में आया होगा कि स्पीड एक रेशियो होता है किसका रेशियो होता है डिस्टेंस बाई टाइम मान के चलिए आपने एक घंटे वॉक किया ठीक है क्या किया आपने एक घंटे वॉक किया एक घंटे के वॉक में आपने सपोज़ कीजिए कि थ्री किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया क्या किया थ्री किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर किया तो देखिए इसका जब मैं रेशियो निकालूंगा किसका थ्री किलोमीटर डिस्टेंस का और आपका जो वन आवर है यानी कि ये आपका टाइम हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से जो आपकी वॉकिंग स्पीड निकल के आएगी कि आपकी जो वॉकिंग स्पीड थी ठीक है यहाँ से जो आपकी वॉकिंग स्पीड निकलेगी वो क्या हो जाएगी थ्री किलोमीटर पर आवर ठीक है क्यों क्योंकि आपने एक घंटे में तीन किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये जो यूनिट है बच्चों ये जो मैं यूनिट यूज़ कर रहा हूँ ये किस में है किलोमीटर पर आवर में है ठीक है तो जब हमारे पास बड़ा डिस्टेंस होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन होता है यानी कि आपका जो टाइम इंटरवल है वो ज़्यादा है तब हम इसको बड़ी यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारा किलोमीटर पर आवर लेकिन मान के चलिए आपको शॉर्ट डिस्टेंस और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्पीड को मेज़र करना है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं मीटर पर सेकेंड को यूज़ करते हैं ठीक है तो यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि आपको हो सकता है कई बार किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी हो और हो सकता है कई बार आपको मीटर पर सेकेंड में स्पीड दे रखी हो तो आपको इसका कन्वर्जन आना चाहिए बच्चों ठीक है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ठीक है देखिए पहले मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये रिलेशन आया कैसे ठीक है तो देखिए टू कन्वर्ट स्पीड ठीक है यानी कि स्पीड को आपको बदलना है किस में से किलोमीटर पर आवर से किस में बदलना है आपको इसको मीटर पर सेकेंड में ठीक है यानी कि यदि या आपको स्पीड आपका दे रखा है किस में किलोमीटर पर आवर में और आपको इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो बच्चों आपको क्या करना है पहली क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है फाइव बाई एट्टीन का ठीक है तो आपको जो स्पीड मिलेगा वो किस में मिलेगा मीटर पर सेकेंड में मिलेगा ठीक है सेम इसी टाइप से यदि आपको स्पीड को कन्वर्ट करना है बच्चों किससे मीटर पर सेकंड से किस में कन्वर्ट करना है आपको उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ठीक है तब तो आप क्या करेंगे जस्ट उसका जो इन्वर्स टर्म है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि एट्टीन बाई फाइव से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो गया डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ठीक है यानी कि डायरेक्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए लेकिन ये आता कैसे ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ तो देखिए बच्चों आपको करना क्या होता है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और मैंने भी पढ़ाया है आपको मेजरमेंट वाले टॉपिक में कि वन किलोमीटर में आपका कितना होता है थाउजेंट मीटर होता है ठीक है और वन आवर में आपके कितने सेकंड, 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 सेकंड होते हैं बच्चों थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स होते हैं ठीक है ये कैसे होते हैं इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं कि वन आवर में आपके सिक्सटी मिनट होते हैं और वन मिनट में आपके सिक्सटी सेकेंड होते हैं तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड मिलेगा ठीक है तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ किलोमीटर की जगह जब मुझे क्या चाहिए मीटर पर सेकेंड चाहिए ठीक है यानी कि किलोमीटर की जगह मुझे मीटर रखना होगा तो मैं यहाँ रखूँगा बच्चों थाउजेंड और आवर की जगह मुझे क्या चाहिए सेकेंड चाहिए तो एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड होते हैं तो ये तो हो गया आपका मीटर और ये हो जाता है आपका सेकेंड ठीक है तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया जस्ट किलोमीटर पर आवर था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है तो अब कुछ नहीं करना आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे देखिए टू जीरो से टू जीरो कैंसिल हो जाएंगे बचेगा आपके पास क्या टेन बाई थर्टी सिक्स और आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फाइव बाई एटीन से ठीक है तो देखिए ये वही क्वांटिटी निकल के आ जाती है जो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख रखी है स्टेटमेंट में ठीक है तो होप ये आपकी समझ में आ गया होगा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यदि आपको कन्वर्ट करना है क्या कन्वर्ट करना है बच्चों किलोमीटर पर आवर से आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे फाइव बाई एटीन का मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है और यदि आपको इन्वर्स करना है यानी कि जस्ट उल्टा करना है कैसे कि आपको कन्वर्ट करनी है अपनी स्पीड मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में तो आपको कुछ नहीं करना जस्ट एट बाई फिफ्टीन का उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो स्पीड मिलेगा वो किलोमीटर पर आवर में मिलेगा ठीक है और ये कैसे होता है ये हाँ मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया आपको ठीक है तो चलिए इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि आपका टाइम ऑन डिस्टेंस क्या होता है तो देखिए बच्चों टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन इन आवर्स मिनट्स और सेकेंड दिस इज़ द टाइम स्पान विच इज़ यूज बाई एनी ऑब्जेक्ट टू कवर सर्टेन डिस्टेंस यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ठीक है या कोई भी लिविंग थिंग्स हो सकती है ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर कोई व्हीकल हो सकता है और लिविंग थिंग्स का मतलब यहाँ पर कोई एनिमल या ह्यूमंस होता है ठीक है तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ किसी टाइम पीरियड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यदि वो मोशन में है ठीक है तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टाइम पीरियड लिया जाता है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वही हमारा क्या होता है जो टाइम होता है टाइम का मतलब समय ठीक है थीके? उसके बाद आता है हमारा डिस्टेंस दो डिस्टेंस का मतलब होता है द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन बिटवीन टू प्लेसेस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस ठीक है देखिए ये कह रहा है कि एक कोई इंसान है मान के चलिए ये एक आपका पॉइंट ए है ठीक है और ये एक दूसरा पॉइंट है बी ठीक है तो यहाँ से मुझे यहाँ जाने में जो पाथ मैंने ट्रेवल किया है देखिए यहाँ ध्यान रखना कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम पाथ वर्ड यूज़ कर रहे हैं यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने के लिए पर्सन के द्वारा जो पाथ ट्रेवल किया जा रहा है यानी कि जो पाथ फॉलो किया जा रहा है वो आपका क्या होता है बच्चों डिस्टेंस होता है ठीक है क्या होता है ये डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब दूरी ठीक है ध्यान रखेंगे और ये वर्ड जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये की वर्ड है ठीक है देखिए अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि मैं पाथ वर्ड पर स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए मान के चलिए मेरे पास यही पॉइंट है एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बच्चों बी है ठीक है तो यहाँ जाने के कई तरीके हो सकते हैं मैं एक ऐसे डायरेक्ट जा सकता हूँ यहाँ पर ठीक है तो ये मेरा हो जाएगा पाथ वन ठीक है लेकिन मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट ऐसे भी जा सकता हूँ ये मेरा पाथ टू हो जाएगा बच्चों और मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट ऐसे भी जा सकता हूँ और ये मेरा हो जाएगा पाथ थ्री ठीक है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के अनेक पाथ हो सकते हैं ठीक है मैं ऐसे घूम के भी जा सकता हूँ ऐसे ठीक है तो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं तो आपको क्या करना है जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इस पाथ के डिस्टेंस को आपको काउंट करना होता है ठीक है यानी कि जो पाथ फॉलो किया जा रहा है उसमें जो डिस्टेंस होता है उसको हम मेज़र करते हैं और इन दो पॉइंट के बीच में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ठीक है क्या बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में पॉइंट ए और बी के बीच में तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या, क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिस प्लेसमेंट ठीक है तो ये डिस्प्लेसमेंट का एक अलग कॉन्सेप्ट है ठीक है आप इसको अलग रखेंगे लेकिन यहाँ हम केवल स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के साथ डील कर रहे हैं ठीक है और तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ठीक है कि जब भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट और पर्सन के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जा रहा है वही पाथ का डिस्टेंस मेज़र करना है ठीक है ना कि उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ से हम एक डिस्टेंस और स्पीड और टाइम इन तीनों के लिए रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि स्पीड का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वह आपका स्पीड होता है तो यहाँ से जो आपका रिलेशन बनता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है ठीक है क्या बच्चों ये स्टैंडर्ड फार्मूला है सभी बच्चों को ये लर्न होना चाहिए ठीक है तो यहाँ से और भी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके या टर्म्स को इंटरचेंज करके ऐसे रिलेशन ड्राइव कर सकता हूँ जैसे कि देखिए अगर मुझे इस फार्मूले से डिस्टेंस ड्राइव करना है तो मैं क्या लिखूँगा तो मैं लिखूँगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम ठीक है क्या लिखूँगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम मैंने कुछ नहीं किया ये ऊपर वाला जो फार्मूला है इसी को मॉडिफाई किया है ठीक है दूसरे हिसाब से यदि मुझे टाइम चाहिए तो टाइम के लिए मैं क्या कर दूँगा बच्चे यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड ठीक है कुछ नहीं किया हमने जस्ट इन्हीं तीनों टर्म को रीअरेंज किया है तो कहने का मतलब है इस फॉर्मूले में तीन वेरिएबल्स हैं आपके कितने हैं बच्चों थ्री वेरिएबल्स तो थ्री वेरिएबल्स में से यदि आपको कोई टू वेरिएबल्स नोन है ठीक है यानी कि दो वेरिएबल्स आपको पता हैं नोन का मतलब आप जानते हैं और वन वेरिएबल क्या है आपका अन है अन ठीक है जो आपको पता नहीं है तो आप उस अन वेरिएबल को यहाँ इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है मान के चलिए कोई प्रॉब्लम है उसमें आपको डिस्टेंस दे रखा है स्पीड दे रखा है आपसे पूछा गया टाइम बताओ तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे दूसरा प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि आपको डिस्टेंस दे दिया जाए टाइम दे दिया जाए और कहा जाए स्पीड बताइए तब तो आपको ये वाला रिलेशन यूज़ करना है ठीक है तो एज़ पर द गिवन कंडीशन इन योर प्रॉब्लम यू कैन यूज़ दिस फार्मूला एज पर सिचुएशन ठीक है दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैंने ये रिमेंबर में डाला हुआ है कि जब भी आपको प्रॉब्लम में ठीक है जब भी आपको प्रॉब्लम में स्पीड टाइम या डिस्टेंस कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना जो मैट्रिक सिस्टम है ठीक है उसमें जो आप यूनिट यूज कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए ठीक है यूनिट सेम होने का क्या मतलब है देखिए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझिए मान के चलिए आपको किसी प्रॉब्लम में दे रखा है कि स्पीड ऑफ अ पर्सन ठीक है दो पर्सन दे रखे हैं ए ए पर्सन है और दूसरा कोई बी पर्सन है ठीक है तो दोनों का स्पीड दे रखा है मान के चलिए इसका स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में ठीक है और इसका स्पीड दे रखा है आपको मीटर पर सेकंड में ठीक है तो आप इन दोनों के स्पीड को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपको या तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आपको ये वाला मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो यानी कि हमें ये सेम यूनिट रखना है ठीक है जब भी हम दो ऑब्जेक्ट के साथ या फिर कई बार आपको डील करना पड़ेगा जैसे दो ट्रेंस की स्पीड दे रखी होगी ठीक है या फिर एक पर्सन और एक ट्रेन की स्पीड दे रखी होगी यानी कि रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में ठीक है जो आपका रिलेटिव स्पीड होता है वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो फाइनल कहने का मतलब है हमारा कि आपके जो यूनिट हैं वो सेम होने चाहिए या तो मीटर पर सेकेंड में होने चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किलोमीटर पर आवर में होने चाहिए ठीक है डिफरेंट स्पीड आप यूज़ नहीं कर सकते इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एवरेज स्पीड क्या होता है तो देखिए बच्चों एवरेज स्पीड क्या होता है आप एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए मान के चलिए पॉइंट ए से ठीक है पॉइंट बी तक जाने के लिए आपको तीन चार जगह रुकना पड़ता है मान के चलिए यहाँ एक बस स्टॉप है ये ए वन है ठीक है यहाँ पर एक दूसरा है ये ए टू है और यहाँ पर एक तीसरा है ये ए थ्री है ठीक है तो यहाँ आप चलते हैं फाइव किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठीक है और यहाँ आप चलते हैं सेवन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर आप चलते हैं एट किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ पर आपकी थ्री किलोमीटर पर आवर स्पीड ठीक है ये एक्चुअल लाइफ में होता भी है ठीक है आपने देखा होगा कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आपकी जो बाइक होती है या कार होती है या बस होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं होती यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक ही स्पीड में नहीं रहती वो कभी उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है कभी डिक्रीज़ होती है ठीक है तो ऐसी सिचुएशंस और ऐसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन इन द टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी ठीक है यानी कि ये रेशियो क्या होता है आपको टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया है और टोटल टाइम टेकन यानी आपके द्वारा जो टोटल टाइम लिया गया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो आपका टोटल टाइम है ठीक है बच्चों टोटल टाइम टेकन उसको यूज़ करेंगे आप और इन सभी पॉइंट को ऐड करने के बाद जो आपका डिस्टेंस मिलेगा उस डिस्टेंस को यूज़ करेंगे तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या होगा एवरेज स्पीड होगा क्या होगा एवरेज स्पीड होगा हिंदी में से बच्चों औसत चाल कहते हैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में औसत चाल ठीक है अब इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट हैं तो उनको हम वन बाई वन समझेंगे कि क्या क्या है तो सबसे पहला जो रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए वो है एवरेज स्पीड फॉर सेम डिस्टेंस बट डिफरेंट स्पीड ठीक है तो मान के चलिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा बी है ठीक है यहाँ का जो डिस्टेंस है वो बच्चों डी मान लेता हूँ मैं क्या मान रहा हूँ इस डिस्टेंस को डी मान रहा हूँ ठीक है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मेरा जो जाने का स्पीड है बच्चों वो मेरा ए है ठीक है ये मेरा जाने का स्पीड है और बी से ए आने बी से ए तक आने का जो स्पीड है वो मेरा बी है ठीक है तो देखिए ये मेरा स्पीड जाने का है और ये मेरा स्पीड आने का है ठीक है तो दोनों अलग अलग स्पीड है तो जब हम अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे तो जो हमारा टाइम टेकन होगा वो भी अलग अलग होगा तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा टाइम हो जाएगा जाने के लिए सपोज़ कर लीजिए वो टी वन हो जाता है और आने के लिए वो हो जाता है T2 ठीक है तो ये आपको कंडीशन है इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना है कि आपका एवरेज स्पीड क्या होगा क्या करना है आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे आप आपको पता है एवरेज यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ये एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है यही फार्मूला तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो देखिए बच्चों अब मुझे क्या करना है यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है जो यहाँ पर वैल्यू मैं अज्यूम किया हूँ ठीक है तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया कि भाई डी तो हो गया जाने का और डी हो गया आने का तो ये हो जाता है आपका टोटल डिस्टेंस उसके बाद टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों टी वन प्लस टी टू ठीक है ये हो गया यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया ठीक है लेकिन हमें रिलेशन किस में फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड में और जो डिफरेंट स्पीड दे रखी हैं उनमें ठीक है इनमें इन हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो देखिए स्पीड का जो फार्मूला था बच्चे वो क्या था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है ये स्टैंडर्ड क्या था फार्मूला था तो यहाँ से बच्चों में टाइम के वैल्यू निकालूंगा तो टाइम क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा कि नहीं ठीक है इसी से मैंने इसको ड्राइव किया है ठीक है कुछ नया नहीं किया मैंने तो अब मुझे यहाँ से टी वन का वैल्यू फाइंड आउट करना है ठीक है तो बच्चों मेरा टी वन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा डिस्टेंस तो मेरा डी रहेगा और टी वन के लिए जो मेरा स्पीड है वो क्या होगा ए हो जाएगा ठीक है पहला ये रिलेशन मिल जाता है सिमिलरली टी टू के लिए यद मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो वो क्या हो जाएगी बच्चों डी बाई बी हो जाएगी ठीक है क्यों क्योंकि मेरा डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन जो मेरा स्पीड है वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो ये मेरा दूसरा रिलेशन हो जाता है तो टी वन और टी टू की वैल्यू मुझे क्या करनी है इस वाले रिलेशन में पुट कर देनी है तो बच्चों जब यहाँ पर मैं टी वन और टी टू का वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा देखिए आगे ये हो जाएगा मेरा टू डी डिवाइड बाई टी वन की जगह मैं लिख दूँगा डी बाई ए प्लस टी टू की जगह मैं क्या लिख दूँगा बच्चों डी बाई बी ठीक है यहाँ तक सबकी समझ में आया अब मुझे ए एंड बी का क्या चाहिए एल चाहिए ठीक है बच्चों तो ए एंड बी का एल सी एम तो मैं क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा तो टू डी डिवाइडेड बाई ए बी तो देखिए इस वाली टर्म को मुझे ए बी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों जगह बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा यहाँ बी डी बाई ए बी ठीक है प्लस इसको मुझे ए बी बनाना है तो दोनों जगह ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका ए डी डिवाइडेड बाई ए बी ठीक है आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा हो जाता है टू डी और ये ए बी मेरा एल्शियम कॉमन हो जाएगा और ये मेरे बी डी प्लस ए डी एड हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ तक होप सबकी समझ में आया होगा आगे मुझे कुछ नहीं करना आगे क्या करना है कि देखो यहाँ मैं इसके डिनोमिनेटर में वन मान सकता हूँ ना ठीक है क्या मान सकता हूँ वन तो जो इंटीरियर टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मेरे एक्सटीरियर टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों इंटीरियर टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में और एक्सटीरियर टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास टू डी इसका मल्टीप्लाई होगा ए और बी के साथ ठीक है नीचे क्या मिलेगा आपको वन को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ तो यहाँ हो जाएगा आपका बी डी प्लस ए डी ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है देखिए डिनोमिनेटर में से हम d कॉमन ले सकते हैं तो ऊपर हो जाएगा टू डी ए बी डिवाइडेड बाई डी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया ये हो जाएगा a प्लस बी क्या हो जाएगा ये a प्लस बी तो आप देखिए इस d से ये वाला d कैंसिल हो सकता है ना तो आपको मिलेगा फाइनल में टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ठीक है ये क्या मिला आपको फाइनल फार्मूला मिला तो बच्चों आप याद रखेंगे कि जब एवरेज स्पीड आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है ठीक है और आपको गिवन है क्या गिवेन है टू डिफरेंट स्पीड क्या गिवेन है बच्चों टू डिफरेंट स्पीड्स बट सेम डिस्टेंस बट सेम डिस्टेंस ठीक है ये आपको गिवेन है तो उस सिचुएशन में यद आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है बच्चों तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ठीक है इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं लेकिन ध्यान ये रखना है यहाँ पर वेयर ए इक्वल टू स्पीड फर्स्ट और बी इक्वल टू स्पीड सेकेंड ठीक है और डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर क्या है सेम है ठीक है क्या है डिस्टेंस सेम है तो ऐसा यदि कोई सिचुएशन दे रखा है तो उस कंडीशन में आप ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था ये और बहुत सिंपल डेरिवेशन था ये आपकी बुक्स में डायरेक्ट गिवन होता है लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन और इसका डेरिवेशन इसीलिए समझाया है कि यदि कोई बच्चा इसका फार्मूला भूल भी जाता है ये वाला ठीक है तो वो यहाँ से डायरेक्ट इसको ड्राइव कर सकता है कहाँ से आपको बस ये याद रखना है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिटेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन ठीक है तो ये वाला आप यदि कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो आप ईजीली ये वाला रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया है ठीक है तो होप यहाँ तक सबकी समझ में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटिव स्पीड का किसका रिलेटिव स्पीड का तो यहाँ कुछ फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे आप याद रखेंगे फंडामेंटल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है देखिए पहला जानकारी तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड के लिए हमेशा आपको क्या चीज़ चाहिए टू एंटिटीज़ चाहिए ठीक है यानी कि दो चीज़ों के बीच में ही आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे अब ये दो एंटिटीज़ क्या हो सकती हैं आपके टू पर्सनस हो सकते हैं ठीक है क्या हो सकते हैं बच्चे आपके दो पर्सन हो सकते हैं या फिर ये टू ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ठीक है टू ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ट्रेन हो सकती हैं ठीक है बस हो सकती हैं कार हो सकती हैं एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट में ठीक है तो ये थी पहली जानकारी ठीक है दूसरा इसमें आपको पता होना चाहिए कि इनका स्टार्टिंग टाइम ठीक है स्टार्टिंग टाइम किसका दोनों ऑब्जेक्ट का वो सेम होना चाहिए ठीक है तो ये दो कंडीशन जहाँ पर होंगी वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे बच्चों रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मान के चलिए ये है मेरा दिल्ली ठीक है ये डेली है और ये है मेरा मुंबई ठीक है यहाँ बस स्टेशन है और यहाँ बस स्टेशन है तो यहाँ से एक बस मूव करता है ठीक है बस फर्स्ट ये पहली बस दिल्ली से मूव करती है मुंबई की तरफ लेकिन जो दूसरा बस है वो मुंबई से मूव करता है दिल्ली की तरफ ये मेरा कौन सा है बस सेकंड ठीक है तो इसने स्टार्ट किया अपना जर्नी सेवन थर्टी पी से कब किया सेवन थर्टी पी से इसने अपना जर्नी स्टार्ट किया सिक्स थर्टी पी से ठीक है और ये दोनों ये यह यहाँ से मुंबई की तरफ मूव कर रहा है और ये मुंबई से दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है ठीक है तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पर कहीं जाके ये मीट करेंगे यानी कि क्रॉस करेंगे एक दूसरे को ठीक है तो जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करेंगे वो हमको फाइंड आउट करना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा क्या यूज़ करना पड़ेगा बच्चों रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा ठीक है लेकिन मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये वाली कंडीशन कि इनका जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ठीक है तो देखो बच्चों इसने स्टार्ट किया 7:30 थर्टी पी एम पर और इसने स्टार्ट किया 6:30 थर्टी पी एम पर यानी कि ये प्लस वन आवर ठीक है आगे चल रही है ठीक है अहेड है ठीक है एक घंटे ये आगे चल रही है और ये स्टार्ट कर रही है एक घंटे बाद क्यों क्योंकि इसने सिक्स थर्टी पी पर अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और ये एक घंटे चल देगी ठीक है तो एक घंटे में ये कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगी ना तो मान लेते हैं एक घंटे में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ कहीं आ जाती है ठीक है तो जब ये यहाँ पर होती है ठीक है बस फर्स्ट जब इस पोजीशन पर है तब तुम्हारी ये जो है मुंबई से चलने वाली जो बस है बच्चों बस सेकंड, वो स्टार्ट होती है यानी कि अपनी जर्नी वो यहाँ से क्या करती है स्टार्ट करती है ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सेवन थर्टी पी एम हो जाएगा ठीक है तो इस डिस्टेंस के बीच में ठीक है ध्यान रखना इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ डी टू ठीक है और ये मेरा मुंबई है ही ऑलरेडी तो डी टू से एम के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के लिए ही मैं क्या यूज़ करूँगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा यानी कि रिलेटिव स्पीड में यूज़ करूँगा केवल किस डिस्टेंस के लिए D2 से M के बीच में जो डिस्टेंस है उसके लिए मुझे रिलेटिव स्पीड यूज़ करना है लेकिन ये जो डिस्टेंस है मेरा दिल्ली से पॉइंट D2 ठीक है ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ मैं नॉर्मल स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा ठीक है जो नॉर्मल स्पीड है वही मेरा यूज़ होगा ठीक है तो हमेशा ध्यान रखना कि जब इनका सेम टाइम होगा उसी टाइम पीरियड के बीच में मुझे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है डायरेक्ट नहीं लगाना यानी कि देखिए यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में मैं डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता क्यों क्योंकि इनका डिफरेंट टाइम है स्टार्टिंग का क्या है डिफरेंट टाइम है मुझे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है बस इतने डिस्टेंस पर जब ये सेवन थर्टी पर हो जाएगी और जब ये सेवन थर्टी पर होगा तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मुझे उसी के लिए रिलेटिव स्पीड लगाना है बाकी यहाँ जो ये डिस्टेंस था इसके लिए मुझे रिलेटिव स्पीड नहीं लगाना है ठीक है तो होप ये चीज़ सबकी समझ में आई होगी अब मैं बता देता हूँ कि स्पीड क्या होती हैं कैसे ऐड हो जाती हैं ठीक है थीके? और कौन कौन केसेस यहाँ पर बनते हैं तो देखिए बच्चों सबसे पहला जो केस बनता है आपका वो होता है केस फर्स्ट ठीक है मैं क्या नाम दे रहा हूँ उसको केस फर्स्ट पहला केस क्या बनता है आपका पहला केस कहता है मान के चलिए पॉइंट ए है ये और ये दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी तो यहाँ पर एक केस हो सकता है कि पहली बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसका स्पीड एस वन है दूसरा जो बस है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन उसका स्पीड एस टू है ठीक है यानी कि दोनों का क्या डायरेक्शन है बच्चों सेम डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन ठीक है यदि दोनों बस व्हीकल पर्सन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है यद वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ठीक है तो आप क्या करेंगे बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा एस टू है वो ग्रेटर देन है एस वन से ठीक है तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी बच्चों इस केस में रिलेटिव स्पीड वो क्या हो जाएगी एस टू माइनस एस वन हो जाएगी ठीक है आपको ये केस यूज़ करना है कब जब दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये हो जाता है आपका केस फर्स्ट अब केस सेकंड समझिए केस सेकंड क्या है कि पॉइंट हमारे पास सेम है ठीक है इन्हीं पॉइंट को मान लेते हैं लेकिन एक ऑब्जेक्ट तो इधर से मूव कर रहा है विद स्पीड एस वन और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से मूव कर रहा है विद स्पीड एस टू ठीक तो है तो यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है ठीक है बच्चों क्या डायरेक्शन है इनका अपोजिट डायरेक्शन है ठीक है बट अपोजिट में अभी देखिए यहां पर दो केस बनते हैं पहला केस बनता है मूविंग टू ईच अदर ठीक है मूविंग टू ईच अदर ठीक है यानी कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो यानी कि ये कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी ठीक है मान के चलिए इनका कोई मीटिंग पॉइंट होगा ये वाला ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है बच्चों जो आपका रिलेटिव स्पीड है उसको ऐड कर देना है एस वन प्लस एस टू कर देना है क्या कर देना है ऐड कर देना है ठीक है ध्यान रखेंगे लेकिन इसी केस में यानी कि अपोजिट केस में एक दूसरा केस भी बनता है उसमें क्या होता है मूविंग Away from each other, from each other, ठीक है तो इसको समझिए ऐसे मैं डायग्राम बताता हूँ मान के चलिए ये था मेरा बस स्टैंड ठीक है तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है इसका स्पीड में एस वन मान लेता हूँ इसका स्पीड एस टू मान लेता हूँ ठीक है तो देखिए ये तो था मेरा बस स्टैंड ठीक है यहाँ से मेरी बस ने मूव स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में दूसरी मूव कर गई इस डायरेक्शन में तो ये दोनों क्या हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ना क्या कर रही हैं बच्चे ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी ऐड हो जाएगी क्या हो जाएगी बच्चों ऐड हो जाएगी एस वन प्लस एस टू ठीक है लेकिन इस कंडीशन में ये मीट नहीं करेंगी डू नॉट मीट ठीक है विद ईच अदर ये एक दूसरे से इस कंडीशन में मीट नहीं करती हैं ठीक है लेकिन किसी डिस्टेंस को मान के चलिए ये डिस्टेंस था 100 किलोमीटर ठीक है 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस था तो इस डिस्टेंस को ये दोनों जो जो ऑब्जेक्ट हैं ठीक है मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है फर्स्ट और ये कोई ऑब्जेक्ट है सेकेंड तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मिल के ही तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है क्या कर रहे हैं ये मिल कर के ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं यानी कि इसके द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा और बाकी का जो डिस्टेंस है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाएगा ठीक है तो इन दोनों पार्ट को मैं जब ऐड करूँगा तो इनके लिए ये क्या होगा टोटल डिस्टेंस होगा तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव स्पीड है बच्चों को क्या हो जाता है ऐड हो जाता है ठीक है कंडीशन कोई भी हो चाहे वो दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो यानी कि मीटिंग और अप्रोचिंग टू ईच अदर यानी कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं आमने सामने से या फिर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ठीक है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपका जो रिलेटिव स्पीड है बच्चों को क्या हो जाता है ऐड हो जाता है ठीक है लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले वाले केस में ये मीट करेंगे ठीक है किसी पॉइंट पर और दूसरे वाले केस में ये मीट नहीं करते हैं ठीक है ये मीट नहीं करेंगे लेकिन दोनों ही केसेस में जो रिलेटिव स्पीड है बच्चों वो क्या होगी एड हो जाती है एस वन प्लस एस टू हो जाती है ठीक है और केस फर्स्ट में तो एक ही केस था क्या था कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ठीक है यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ऐसे भी मूव कर सकते हैं या फिर पॉइंट बी से दोनों ही ऑब्जेक्ट ए की तरफ मूव कर सकते हैं ठीक है थीके? तो दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर क्या होने वाला है जो रिलेटिव स्पीड है उसको सब्टेक्ट करेंगे कैसे सब्टेक्ट करेंगे जो बड़े वाली स्पीड है उसमें से छोटे वाली स्पीड को हम सब्टेक्ट कर देते हैं ठीक है तो ये दोनों रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं ठीक है तो इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब आपकी समझ में और अच्छे से आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं तो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन ब्रिज रेलवे स्टेशन एटसेट्रा तो देखिए यहाँ पर जनरली आपके लेवल से जो इम्पोर्टेंट केसेस बनते हैं वो तीन केस बनते हैं पहला केस होता है कि यहाँ कोई एक पोल है क्या ये एक पोल ठीक है और ये कोई ट्रेन है क्या बच्चों ये ट्रेन है तो ये ट्रेन इस पुल को क्रॉस करती है तो आपसे इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को ये पोल क्रॉस करने में ठीक है तो एक्चुअली में ये पोल कब क्रॉस माना जाएगा ट्रेन के द्वारा जब ट्रेन का जो इंजन है और जो ट्रेन का लास्ट जो बोगी है ठीक है या फिर कार्ट बोल सकते हो कार बोल सकते हो या बोगी ठीक है मैं बोगी कह रहा हूँ तो लास्ट जो बोगी है और जो मेन इंजन है वो इस पोल को क्रॉस कर जाएगा टोटली तभी तो हम कहेंगे कि ये पोल क्रॉस हो गया ठीक है तो एक्चुअली में हुआ क्या ट्रेन ने अपनी ही जो लेंथ है उसको ट्रेवल किया ना तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि ट्रेन के द्वारा पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा तो वहाँ पर आपके लिए जो लेंथ होगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन ठीक है क्या हो जाएगा बच्चे वो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा और स्पीड यहाँ पर क्या रहेगा आपका स्पीड ट्रेन का रहेगा जिस स्पीड से ट्रेन मूव कर रहा है तो यहाँ पर टाइम टेकन टाइम टेकन टू क्रॉस पोल ठीक है यानि कि ट्रेन के द्वारा पोल को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे आप कहेंगे थ ऑफ ट्रेन ठीक है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन ठीक है ये छोटा सा फार्मूला है सभी बच्चे इसको याद रखेंगे ठीक है एक तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दूसरा पूछा जाता है मान के चलिए यहाँ कोई रेलवे स्टेशन दे रखा है क्या दे रखा है ये आपका रेलवे स्टेशन है ठीक है और यहाँ से आपका ट्रेन गुजरता है ये क्या आपका बच्चों ट्रेन है तो इस सिचुएशन में भी आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए इस ट्रेन के द्वारा इस स्टेशन को कितने समय में क्रॉस किया जाएगा ठीक है या फिर ये ट्रेन इस स्टेशन को कितने समय में पास कर देगी तो दोनों ही सिचुएशन का मतलब सेम ही है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है टाइम फाइंड आउट करना है ठीक है तो यहाँ पर भी आपके लिए देखिए क्या हो जाता है जो लेंथ होता है यहाँ लेंथ जो होगा बच्चों वो क्या होगा प्लस हो जाएगा स्मॉल एल में मान लेता हूँ कि देखिए यहाँ ये जो पोल था इसका कोई लेंथ नहीं था यानी कि वो जीरो था एक तरह से ठीक है लेकिन यहाँ जो स्टेशन है उसका कुछ तो लेंथ तो होगा ना हो सकता है वो हंड्रेड मीटर का हो हो सकता है टू हंड्रेड मीटर का हो आपने देखा होगा कि स्टेशन जो होता है उसकी हमेशा कोई ना कोई लेंथ होगी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता ठीक है तो यहाँ जो हमारा लेंथ होता है बच्चों वहाँ आपको क्या करना है लेंथ स्टेशन का प्लस लेंथ ट्रेन का ठीक है ये क्या है मेरा लेंथ ऑफ स्टेशन लेंथ ऑफ स्टेशन ठीक है और ये दूसरा जो है आपका वो है लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन इन दोनों को आपको ऐड कर देना है बस ठीक है बाकी स्पीड तो यहाँ पर ट्रेन का ही रहने वाला है तो यहाँ पर जो आपका टाइम टेकन होगा ठीक है टाइम टेकन वो क्या हो जाएगा बच्चों एल एस प्लस एल टी ठीक है यानी कि स्टेशन का लेंथ ट्रेन का लेंथ डिवाइडेड बाई किससे करेंगे आप स्पीड ऑफ ट्रेन से स्पीड ऑफ ट्रेन से ठीक है तो ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे और ये कंडीशन भी आप याद रखेंगे ठीक है ये दूसरे टाइप का हो गया तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में वो भी आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि दो ट्रेन हैं ठीक है ये आपका ट्रेन वन है और ये आपका ट्रेन टू है ठीक है तो ये दोनों मूव कर रहे हैं किसी स्पीड से इसका एस वन स्पीड मान लेते हैं इसका एस टू मान लेते हैं और यहाँ हम केस कंसीडर कर लेते हैं कि एस वन इज़ ग्रेटर देन एस टू ठीक है कि पहली वाली जो ट्रेन है उसका स्पीड ज़्यादा है ठीक है तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों के यदि ये ट्रेन एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ठीक है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा एस वन माइनस एस टू हो जाएगा ठीक है यद यहाँ पर केस ऐसे होता कि ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ठीक है ये ट्रेन टू है यानी कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो उस सिचुएशन में इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती बच्चों वो हो जाती एस वन प्लस एस टू यानी कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती ठीक है क्या हो जाती ऐड हो जाती ठीक है और यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता है कि इनके द्वारा एक दूसरे को क्रॉस करने में यानी कि टेक ओवर करने में ठीक है एक ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है और दूसरी ट्रेन का स्पीड कम है तो जिस ट्रेन का स्पीड कम है उसको ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन क्या करेगी टेक ओवर करेगी पास करेगी तो उस ट्रेन के द्वारा उस कम स्पीड वाली ट्रेन को टेक ओवर करने में जो टाइम लगेगा वो आपसे पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है जो आपका लेंथ होता है बच्चों वो क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं हमेशा ध्यान रखेंगे और जो स्पीड होता है वो रिलेटिव स्पीड यूज़ करते हैं ठीक है क्यों देखिए पहले दो केसेस में बच्चे रिलेटिव स्पीड यूज़ नहीं हुआ था क्यों क्योंकि देखिए ये जो पोल है ये स्टेशनरी था मूव नहीं कर रहा था तो इसकी स्पीड क्या थी जीरो थी ठीक है तो इसीलिए यहाँ पर हमने केवल एक ही स्पीड यूज़ किया था क्या था ट्रेन का स्पीड ठीक है दूसरे केस में भी देखिए जो स्टेशन था वो मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ भी इसका स्पीड क्या था जीरो था इसीलिए यहाँ भी हमने स्पीड किसका यूज़ किया था ट्रेन का स्पीड यूज़ किया था ठीक है लेकिन इस वाले केस में यानी कि थर्ड केस जो है ट्रेन का उसमें दोनों ट्रेन का कुछ ना कुछ स्पीड दे रखा है आपको यानी कि इसका एस वन स्पीड है तो इसका एस टू स्पीड है ठीक है इसका यहाँ एस वन स्पीड है तो इसका यहाँ एस टू स्पीड है ठीक है तो केस आप देख लेना कि कौन सा केस है देखिए ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को आप सब्ट कर देंगे ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इन दोनों स्पीड को ऐड कर देंगे ठीक है और लेंथ भी आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये केस बता देता हूँ ये ए केस हो गया आपका ये बी केस हो गया तो बी वाले केस के लिए मैं फार्मूला बता देता हूँ कि यहाँ पर आप टाइम टेकन कैसे निकालेंगे तो देखिए यदि आपको बी वाले केस में टाइम टेकन निकालना है बच्चों तो क्या करना है आपको लेंथ लेंथ का मतलब है डिस्टेंस हो गया ठीक है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल टी वन प्लस एल टी टू और इनकी जो रिलेटिव स्पीड है रिलेटिव स्पीड का मतलब नेट स्पीड ठीक है नेट स्पीड कह लीजिए या इफेक्टिव स्पीड भी कह सकते हैं आप ठीक है तो इफेक्टिव स्पीड यानी कि रिलेटिव स्पीड इन तीनों का एक ही मतलब है तो यहाँ इनकी जो दोनों ट्रेन की नेट स्पीड क्या होगी बच्चे वो ऐड हो जाएगी तो यहाँ आप क्या रखेंगे एस वन प्लस एस टू रखेंगे क्या रखेंगे एस वन प्लस एस टू रखेंगे ठीक है सिमिलरली पहले वाले केस के लिए आपका टाइम टेकन याद आपको निकालना है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा एल टी वन प्लस एल टी टू ठीक है डिवाइडेड बाई बड़े में से छोटा स्पीड आप सबटेक्ट कर देंगे ठीक है तो ये आपका टाइम टेकन निकलेगा यानी कि इतने टाइम में ठीक है जिस स्पीड जिस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है वो कम स्पीड वाली ट्रेन को टेक ओवर कर जाएगा तो ये टाइम पीरियड यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ये टाइम पीरियड किसका है कि ये दोनों ट्रेन किस पॉइंट पर मिलेंगी वो टाइम पीरियड भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से और ये क्रॉस ओवर कितने टाइम में करेंगी ठीक है वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है और अच्छे से आपकी समझ में ये तब आएगा जब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा फिलहाल आपको बस ये कॉन्सेप्ट ही समझने थे कि कैसे कहाँ कहाँ कौन सी लेंथ आपको ऐड करनी है ठीक है एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा बच्चों देखिए ये स्टेशन है ना इसको कई बार रिप्लेस कर देते हैं किससे ब्रिज से ठीक है कहेंगे कि एक ट्रेन किसी ब्रिज से गुजर रही है यानि कि एक ट्रेन किसी ब्रिज के ऊपर से मूव कर रही है तो आपको बताना है कि उस ट्रेन के द्वारा उस ब्रिज को कितने समय में पास किया जाएगा ठीक है यानी कि क्रॉस किया जाएगा तो उस सिचुएशन में भी आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आप उस ब्रिज को एक स्टेशन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं क्यों क्योंकि ब्रिज का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा तो आपको क्या कर देना है जस्ट स्टेशन की जगह आपको वहाँ क्या रख देना है ब्रिज का लेंथ रख देना है ठीक है क्या रख देना है लेंथ ऑफ ब्रिज ठीक है प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन स्पीड सेम ही रहेगा किसका ट्रेन का तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है और इसमें और यहाँ अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया गया आपके लिए ठीक है वैसे आपके नवोदय के एग्ज़ाम में इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन फिर भी मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बता देता हूँ कि आप एक ट्रेन को एक पर्सन से रिप्लेस कर दीजिए ठीक है कि एक ट्रेन मूव कर रही है और दूसरा एक पर्सन मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन में ये ट्रेन इस पर्सन को कब और कितने समय में टेक ओवर करेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सन का लेंथ तो कुछ होगा नहीं ठीक है तो ये जो है एल टी टू ये तो ज़ीरो हो जाएगा ठीक है लेकिन इसका कुछ स्पीड तो होगा यदि ये चल रहा होगा तो यानी कि अगर ये मूव कर रहा होगा तो इसका कुछ स्पीड होगा ठीक है तो यहाँ पर उस स्पीड को रख लेना यानी कि यही फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा ठीक है यानी कि यदि इसमें एक हम ट्रेन मान लेते हैं एक पर्सन मान लेते हैं तो यहाँ पर जो टाइम टेक टेकन बच्चे वो कैसे हो जाएगा मॉडिफाई हो जाएगा कि यहाँ पर एल टी वन यूज़ करेंगे पर्सन की कुछ लेंथ नहीं है वो ज़ीरो हो जाएगी तो प्लस जीरो ठीक है और लेकिन स्पीड तो उसका कुछ ना कुछ है तो स्पीड हम यहाँ पर रखेंगे एस वन माइनस एस मैन ठीक है मैन की जो स्पीड है तो इस हिसाब से आप इन फार्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं बट देखिए जो मैंने आपको ये ग्रीन पेन से जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं एक तो ये ब्रिज वाला और एक ये पर्सन वाला और ये ट्रेन के साथ ट्रेन और पर्सन का जो कॉम्बिनेशन है ये हॉट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है ठीक है हाई ऑर्डर थिंकिंग तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी मैंने आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बता दिया है ठीक है